हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो फिलहाल हम जा रहे हैं नेवेरा स्कूल में, क्योंकि वहां से इनविटेशन आ रखे कि भाई आप लोगों को आना है, एनुअल फंक्शन है आज उनका, तो वहां जा रहे हैं। और वहां पे बाबा बालकनाथ योगी आ रहे हैं वहां पे, तो वहां इनवाइट कर रखे हमें, तो वहां जा रहे हैं फिलहाल। तो भाई साहब फिलहाल चल दिया नेवेरा स्कूल की साइड, और स्कूल को अटेंड करके कुछ और काम आ गया, कुछ और ऑफ रोडिंग का। कितनी देर माले चलो। और भाई साहब ये आ गया बोर्ड नेवेरा स्कूल, और निशान बना रखी है गाड़ियों के लिए। ये रही अपनी थार, अभी आ सोलारा स्टैंड और फिर चलते स्कूल में अंदर। ये चेयरमैन सर स्कूल के सबका स्वागत कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी आ रहे उनको अंदर भेज रहे हैं। और यहाँ बच्चों ने भव्य रंगोली बना रखी है बिल्कुल। यहाँ गुब्बारे लगा रखे हैं हर जगह पे, भगवा कलर और वाइट कलर, जो अपने राम मंदिर को भी समर्पित है। तो बस अब ये अब जा रहे हैं अंदर स्कूल में। ये लगा रखे हैं When you enter this living wing, consider yourself one of the special member of an extraordinary family. और ये पेंटिंग लगा रखी है राधे राधे। और ये भाई साहब एंट्री है, यहाँ जो जा रहा है वहाँ स्वागत किया जा रहा है उसका, टीका वगैरह लगा के, तिलक लगा के। और यहाँ चाय कॉफी वगैरह का प्रबंध कर रखा है सबके लिए। और यहाँ चलते हैं आगे। तो भाई साहब फिलहाल स्कूल का विजिट कर रहे हैं, और ये स्कूल के बच्चे। ये बच्चे परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो चुके, छोटे छोटे बच्चे लाइन, सारे बच्चे परफॉर्मेंस के लिए। और ये स्कूल के अंदर दीवारों पे डिजाइन बनवा रखा है, जो बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ बच्चे हो रहे हैं तैयार। ये कंप्यूटर लैब है स्कूल की, 38 कंप्यूटर है पूरा, सारा इसको वाईफाई से नेट फाइव से वहाँ से कंप्यूटर से पढ़ाना टीचरों को। और यहाँ पर ये नहीं है कि बच्चों को नहीं सिखाया जाता वाट इज सीपीयू वाट इज माउस, प्रैक्टिकल ही बच्चों को सीपीयू माउस का यूज करना उनको सब कुछ, मतलब हर चीज सिखाए जाते हैं कंप्लीट प्रैक्टिकल। और सामने पेंटिंग देखो कितनी अच्छी बना रखी है पेंटिंग दीवार पे, और पूरा पेड़ बना रखा है जो बहुत प्यारा लग रहा है। ये लगा रखा वाटर कूलर, जो गर्मियों में ठंडे पानी के लिए, सारे में ठंडा पानी आते हैं ना सर। ये वाला बड़े बच्चों का नहीं छोटे बच्चों का, ताकि छोटे बच्चे आराम से पानी पी सके, प्रॉब्लम ना हो। ये छोटे बच्चों के लिए बना रखे है, आराम से बच्चे खेल सके कंप्लीट। खिलौने भी लगा रखे हैं यहाँ पे, और नीचे भी फर्श की जगह ये लगा रखी है मैट, ताकि ठंड ना लगे बच्चों को। काफी बढ़िया सिस्टम कर रखा, और दीवारों पे भी। हाँ यहाँ बच्चों के बैठने का, आराम बैठ के खाना खिलाना सब कुछ कंप्लीट सिस्टम है यहाँ पे, बच्चों को आराम से बैठ के। सब बच्चों में मतलब उत्साह की लहर है, हाँ परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रहे सारे बच्चे अपने परफॉर्मेंस में। पूरा पार्क देखो कितना बढ़िया बना रखा है, कटिंग करके एक एक चीज प्रॉपर। भी साइड से अपने परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रहे हैं अंदर बच्चे, भाई साहब परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं अपने बाहर परफॉर्मेंस।
तो इस साइड ये बना रखा है बास्केटबॉल का कोर्ट, पर फिलहाल अभी गाड़ियां खड़ी है यहाँ पे, गेस्ट जो भी आ रखे हैं उनकी सारी गाड़ियां खड़ी हैं। इधर बस खड़ी और उस साइड बच्चे, इस साइड बच्चों के लिए झूले लगा रखे हैं कि बच्चा खेल लो बेटा खेल लो, तेज अंदर चल के तेज में चलते अंदर, जो बच्चों के लिए बैठाने का प्रबंध कर रखा है, गेस्ट का प्रबंध कर रखा है, वो दिखाते हैं सारी चीज एरिया। ये देखिए तो गेस्टों को बैठाने के यहाँ प्रबंध कर रखे सारा, और सामने लगा रखे स्टेज। पंक्तियाँ कहना चाहूंगा कि आए आप हमारी महफिल में तो चांद तारे झिल मिलाने लगे, आए आप हमारी महफिल में तो चांद तारे दिल मिलाने लगे, देखकर आपको दिल झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। बच्चों से अनुरोध है कि जो अभी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं उनके स्वागत के लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट इतनी होनी चाहिए कि कम से कम दूर तक सुनाई दे कि हाँ निवेरा के छात्र जो है ताली बजा रहे हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर रहे हैं। कलियां अतिथि आए इस मंच पर, जरा जोरदार हो तालियां। भाई साहब ये स्टेज बना रखे है सामने पूरा लाइट के साथ, सामने डिस्प्ले लगा रखी है पूरी, और ये सारा बैठने का सिस्टम बना रखे है पीछे। और बच्चे संभाले स्टेज को, छोटे छोटे बच्चे। अब हमारी कक्षा 12वीं के छात्र भगवान को चैलेंज करते हैं कि हे भगवान, हम स्टूडेंट करते हैं तुझे चैलेंज, कभी हमारी लाइफ के कुछ डेज बिता कर तो देख, रहते हो स्वर्ग में बड़े चैन से, कभी हमारी तरह कड़कती सर्दी में स्कूल जाकर तो देख, ऑर्डर देते हो बड़े नवाबी अंदाज से, कभी हमारे प्री बोर्ड देकर तो देख, कभी एक रात बैठ कर फिजिक्स के न्यूमेरिकल सोर कर तो देख, कभी केमिस्ट्री की रिएक्शंस लर्न करके तो देख, हमारी तरह कभी टीचर से डंडे खाकर तो देख, हे भगवान हम स्टूडेंट्स करते हैं तुझे चैलेंज, धन्यवाद। नमस्कार, जैसा कि मैं बता रहा था कि 22 जनवरी को नरेंद्र सर मुझे मिले थे और मैं एक स्कूल में एक प्रोग्राम दे रहा था, और मेरी एक कविता होती है बच्चों की पढ़ाई के लिए, मोटिवेशनल पोइम है ये, वो स्पेशल सुनाने के लिए मेरे को यहाँ बुलाया गया है। तो प्यारे बच्चों मेरे साथ साथ गाएंगे एक बहुत अच्छी कविता, ऐसी कविता आप कही, जरा ध्यान से सुनिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एलोमन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एलोमन पी एलमन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आओ बच्चों करे पढ़ाई मिल कर के हम ध्यान से, कभी पढ़े ना अपना पाला कम वक्त अज्ञान से। ताली बजाओ बच्चों, शाबाश। आओ बच्चों करे पढ़ाई मिल कर के हम ध्यान से, कभी पढ़े ना अपना पाला कम वक्त अज्ञान से, विद्या का लो दान विद्या का दो ज्ञान, आओ बच्चों अपना पाला कम वक्त अज्ञान से, लेकर बैग और बस्ता अपना विद्या मंदिर जाएंगे, माता सरस्वती को अपना सादर शीश झुकाएंगे, गुरुजनों की आज्ञा को हम हरगिज ना ठुकराएंगे, भारत भूमि को हम बच्चे चंदा सा चमकाएंगे, अलग जगाने घर घर में अलग जगाने घर घर में, अब चलो सुनहरे ज्ञान से, कभी पढ़े ना अपना पाला कम वक्त अज्ञान से, आओ बच्चों करे पढ़ाई मिल कर के हम ध्यान से, कभी पढ़े ना अपना पाला कम वक्त अज्ञान से, बच्चों वक्त पढ़ाई का हम यूं ही नहीं गवाएंगे, सोनू मोनू टीना मीना सारे पढ़ने जाएंगे, टीचर डॉक्टर इंजीनियर। तो पर्दा लगा दिया, क्या गए पीछे, प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका भाई। अब जो हमारे मेहमान आए हुए हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि जो ग्रामीण क्षेत्र से जो गणमान्य लोग हैं
वो दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन। भगवान श्री गणेश की, क्योंकि उनके साथ कृपा बरसती है ब्रह्मा विष्णु महेश। गणेश जी का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। प्लीज वेलकम नाउ डांस परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंटिंग गणेश वंदना। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़कर कौन। जिस नाम ने तार दिए पत्थर भी जल में, उस नाम के सुमिरन से तो जीवन में उजास होता है। कीजिए न्यूइरा स्कूल के छोटे राम भक्तों का, जो अपने साथ राम को अपनी चौखट पे ला रहे हैं। हरि अनंत हरि कथानंता, कहूं अनंता राम सिया राम, जय जय राम राम मेरे राम सिया राम, जय जय राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इन नन्हे मुन्ने बच्चों का। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। मंजूर हो तो मीठी मीठी तालियां हो जाए, क्योंकि ये शानदार सा प्रोग्राम हम आप सबके नाम करते हैं। करता सबके काम दिल से, करे दुखों को दूर और दे दिल को सुकून, इसलिए हम सभी बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। तालियों में कंजूसी ना बरते, बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो आप भी इतनी अच्छी तालियां बजा करके। कर कंजे पद कंजारु मन, श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण कंजारु मन, जय श्री राम। आर लिटिल शाइनिंग स्टार्स। क्यों नहीं बच्चों को वो चीज दिखलाई जाए जो बच्चे गांव में देखने से वंचित रह गए हैं। इसी तरह पहले गांव में रासलीलाएं होती थी, कृष्ण के किरदार निभाने के लिए बाहर से कलाकार आते थे, आठ 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 दिन गांव में रह करके वो भगवान कृष्ण के विभिन्न रूपों को दिखलाते थे, उनकी लीलाएं दिखलाती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस 22वें वार्षिक उत्सव पर अपने इस कार्यक्रम की जो थीम रखी, वो थीम रखी कृष्ण लीला। तो आज आप लोगों को हमारे जो बच्चे हैं वो पूरी कृष्ण लीला, जो कृष्ण के किरदार ने जो भी निभाया, उन्होंने किस तरह द्रौपदी की लाज बचाई, किस तरह पीड़ित जन लोगों को सहारा दिया, किस तरह कुब्जा के दुख को, वो तो आप लोगों को अभी हमारे बीच पहुंचे हैं, विद्यालय में पहुंचने पर उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जोरदार ताली बजा करके बच्चों से अनुरोध है, क्या तो गीता जैसा, जिसने ज्ञान दिया तो गीता जैसा, जिस पर हजार नोबल पुरस्कार यूं ही कुर्बान है। अब हम हमारी अगली प्रस्तुति के साथ राधा को कृष्ण की देह मिली, बिन देह के प्रेम निभा गई मीरा, ब्रजभूमि में राधा ने रास रचा, ब्रजभूमि में राधा ने रास रचा, मरुभूमि में कुंज खिला गई मीरा, कृष्ण ने द्वापर में राधा को गाया, कृष्ण ने द्वापर में राधा को गाया, तो कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा, और कृष्ण के प्रेम का राधा पे कर्ज था, कृष्ण के प्रेम का राधा पे कर्ज था, राधा का कर्ज चुका गई मीरा।
श्री कृष्ण अपनी मर्यादाओं को, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए वृंदावन के सभी लोग और हमारी राधा रानी उनके विरह की पीड़ा झेल रही है। इसी क्लास के छोटे छोटे बच्चे, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इन कलाकारों का। पता नहीं आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे कि नहीं, परंतु इतनी विनती करती हूँ आपसे कि आप सीता की प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए और श्री राम को आशीर्वाद दीजिए, जिससे युद्ध में विजय राम की ही हो। लंका में बस आप ही दयालु हैं। जब से रावण ने मुझे बंदी बनाया अशोक वाटिका में, तब से आपने मेरा कितना ध्यान रखा है। आपको भले ही सब लोग यहाँ राक्षसी के रूप में देखते होंगे, किंतु मेरे लिए तो आप देवी त्रिजटा हैं। आप जैसी देवी ने मुझ जैसी राक्षसी को देवी कहा, मैं तो धन्य हो गई। तुम्हारा क्या संबंध है प्राता? अत्यंत गहन संबंध है, इस कहानी के अंत तक तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। दोनों के विश्वास का परीक्षण हुआ, दोनों को विश्वास था कि श्री राम की ही विजय होगी, और फिर एक ऐसी सूचना सीता को मिली जिससे वो अत्यंत अचंभित हो गए। क्या हुआ योगू? वही जो हमने कहा था, मेघनाथ विजय हुए। देवी सीता के दुख के विषय में स्मरण कर मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही। देवी सीता की पीड़ा का अनुभव किया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देवी सीता को सूचना मिली मेघनाथ विजय हो गया है, तो उसके पश्चात क्या हुआ भ्राता? उसके पश्चात मैंने स्वप्न देखा, एक वानर है जो दूत है श्री राम का, वो पूरी लंका में श्री सीता और श्री राम का पुनर्मिलन हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो मुझे आप दोनों के दर्शन एक साथ हो गए। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में मैं आप दोनों के निकट ही रहूं। यदि यही आपकी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। अगले दिन में आप मेरे अत्यंत निकट रहोगे, ये मेरा वचन है त्रिजटा। आशा है तुम्हें वो प्रेम, वो सम्मान, वो बात सुनने में दे पाया है जो पिछले जन्म में तुम्हें नहीं मिला। अर्थात मैं? हाँ, सुमित्रा पिछले जन्म में तुम ही त्रिजटा थी। तुमने देवी सीता की सेवा की थी, मुझे सहायता की थी, तो देवी सीता और कोई नहीं, हमारी प्रिय राधा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इस जन्म में मुझे आपकी बहन होने का सौभाग्य मिला। भाग्यशाली तो हम हैं, तुम जैसा कोई हमारे जीवन में आया इस जन्म में भी, पिछले जन्म में भी। भले ही त्रिजटा ने ऐसा कहा हो कि उस पर देवी सीता का कोई ऋण नहीं है, किंतु ऋण तो ऋण होता है। कोई किसी की सहायता करे है तो सहायता करने वाला भले ही भूल जाए, जिसकी सहायता की है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। और राधा पर सदा से ये ऋण था, और उसे उस ऋण से मुझे मुक्त करना था।
को सुभद्रा तुम मेरी बहन हो, मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ, किंतु राधा पर किसी भी प्रकार का कोई भी ऋण मैं नहीं रहने दे सकता, क्योंकि राधा पर जो ऋण है वो ऋण कृष्ण पर भी है, उससे राधा को मुक्त करना आवश्यक है। बोलिए राधे, और अब ईमानदारी से बताइए कि इसका कृष्ण भी राधा के बिना अधूरा है, और राधा के बिना रास कैसा। राधा रस बरसाने वाली